Guys, hey guys, my name is Harsh. And my name is Purva. Welcome back to reaction channel Harsh Solanki React. So guys, हमने जो पहले वीडियो देखी थी ध्रुव राठी की, उसमें हमें पूरा पता चला था उनके हिस्ट्री के बारे में, रतन टाटा सर की एंड बेसिकली टाटा इंटरप्राइज की। बस उस वीडियो में ना हमने रतन टाटा सर को काफी मिस किया था, क्योंकि उसमें ना उनके बैकग्राउंड के बारे में, हाँ, उनके बारे उनके में इतना एम्फेसिस दिया नहीं था, हाँ, उन्होंने टाटा कंपनी में एम्फेसिस दिया था। सो आज हम लोग देखने वाले हैं उनकी हिंदी स्पीच जो कि उन्होंने दी थी आई थिंक किसी हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन में। सो लेट सी द स्पीच बिकॉज वो हिंदी में है, काफी हमें अच्छा लगेगा हिंदी में उनकी आवाज़। सो ये कनेक्टेड फील करेंगे। डिब्रूगढ़ में कैंसर केयर हॉस्पिटल जो उन्होंने बनाया था, हाँ। उसमें उन्होंने पहले इंग्लिश में बात की थी, फिर आई थिंक हिंदी में स्विच हुए थे वो, और मतलब लोगों को समझ में आ जाए उसके लिए, बिकॉज सारे जो लोग है वो तो नॉर्मल ही है उनको, आई डोंट थिंक कि इंग्लिश इतनी समझ में आएगी। जानते हो कि हिंदी भी इंडिया में बेसिकली हिंदी तो सभी जानते हैं। आसाम का बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, आज मोदी जी भी आए आसाम केयर, दुनिया को बता सकता है कि इंडिया का एक छोटा स्टेट वर्ल्ड पावर्स में ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए आज इनॉग्रेट करना चाहता है। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और मिस्टर मोदी का गवर्नमेंट को मैं थैंक यू बोलता हूँ कि आसाम को भूला नहीं, आगे बढ़ेगा। और मैं सच हार्ट से ट्रीट करता है कि ये स्टेट आगे जाएगा और इंडिया का हाथ एंड इंडिया का फ्लैग और इंडिया का दिल से इस स्टेट आगे बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर चीफ मिनिस्टर and the government for all that they have done. I dedicate my last years to help make Assam a state that recognizes and is recognized by all. Thank you very much. आपके बहुमूल्य भाषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। तब उनकी हालत ठीक थी थोड़ी सी, इतनी दूर हो गए बात करी। हाँ, ये आई थिंक जब की वीडियो, जब उनको महाराष्ट्र रत्न का अवार्ड दिया था। मैं अभी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और हमारे मंत्री, रिक्वेस्ट करूंगा कि सम्मान पत्र श्री रतन जी का इनको प्रदान करें। थैंक यू सर। इसी के साथ में मैं, अरे वाह, थोड़ा
कितनी चीजें रहती ना बोल भी रहे अमेजिंग आई थिंक हैंड पेंटेड है ना ये भाई समोर उनको शॉल में पहली बार देखा इस तरह से सम्मान वाली व्हाट इज दिस राष्ट्र रत्न आपको दिया जा रहा है सर इस पैसे का आपके सामने कोई वैल्यू नहीं है सर लेकिन ये उद्योग रत्न के साथ में ये राशि भी ऐसा बोल दिया कि पैसे का कोई वो नहीं पर उसके साथ की राशि फोटो लेना चाह रहा था अरे फोटो सब साथ मिला रहे वो किसी में फर्क नहीं कर रहे सबसे हाथ मिला रहे वो ये नहीं सोच रहे कौन सी एम है कौन क्या है ना तो गाइस ये वीडियो रिसेंटली ही मतलब शूट की गई है जब वो 86 इयर्स के थे सो उनको आई थिंक महाराष्ट्र रत्न अवार्ड दिया था ना आई मीन बिजनेस से रिलेटेड ये इंडस्ट्रियलिस्ट का कोई अवार्ड है वो दिया गया था सो इंडस्ट्रियलिस्ट से रिलेटेड नहीं रत्न यानी कि जो वहां नहीं नहीं वो तो ठीक है बट उस पर जो लिखा था अवार्ड पे वो बता रहा हूँ तो बाकी इसमें कुछ राशि भी उनको दी हुई थी मतलब हाँ, कोई चेक वगैरह बैकग्राउंड में बोल रहे थे उन्होंने बोला था कि इसकी कोई वैल्यू तो नहीं है बट हम लोग ऐसे ही दे रहे हैं हाँ, वो आई थिंक सबको ही देते होंगे जो भी मतलब जिनको अवार्ड मिलता है उनको सबको देते होंगे एंड इसमें चीफ मिनिस्टर थे और बहुत सारे और लोग थे तो फिर लास्ट में उन्होंने शॉल वॉल पहन के बाद सबसे हाथ मिला फिर सबको बोला फर्स्ट टाइम रतन टाटा को मतलब इतना देखा इतनी फिर उन्होंने ऐसे बोला यू हैव अ रोल टू प्ले करके ऐसे बहुत सारी से इनकी कोई डिस्कशन हुई होगी तो उसके बेसिस पे ये लोग फिर बात कर रहे थे एंड काफ़ी अच्छी वीडियो थी एंड मतलब ये लोग तो सही थे पता नहीं थोड़े दिन पहले भी अभी थोड़े एक दो दिन पहले भी उन्होंने अपनी हेल्थ कंडीशन के बारे में मतलब ट्वीट किया था और उन्होंने बोला था कि हम मैं सिर्फ डेली चेकअप के लिए जा रहा हूँ और ये सब मिस इन्फॉर्मेशन है कि मेरे को सीरियस कुछ है हेल्थ इशू ऐसा कुछ भी नहीं है एंड आप लोग मतलब ऐसे कोई टेंशन मतलब ऐसा उन्होंने बोला ही था बट फिर पता नहीं क्या हुआ कि अभी आज ही पास अवे रात को एकदम शांत हो गए ना 11 बजे और आज उनको लेकर चले गए मेरे को ये समझ नहीं आता मतलब लोग कितना जब वो थे तब उनके फॉलोवर इंस्टाग्राम पर 10 मिलियन थे और अब वो नहीं है तो उनके 10.6 मिलियन हो गए एकदम से सो मतलब जब वो थे जब तक तो किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया so guys, मैंने तो फॉलो किया हुआ था उनको इंस्टाग्राम पे बहुत पहले से रहा था इंस्टाग्राम पे एक बहुत पहले पता नहीं एक मैंने कहीं सुना था कि किसी एक लड़की ने उनको ना ऐसे ट्वीट किया था छोटू बोल दिया था तो उन्होंने मतलब फिर उसका रीट्वीट भी किया था या फिर इंस्टाग्राम पे भी बोला था कि उसको हेट मत फैलाओ ऐसा कुछ
मतलब उसको लड़के कुछ गलत मत बोलो ऐसा, सब लोग उसको बोल रहे थे कि छोटू क्यों बोल दिया ये, तो उन्होंने बोला था कि उसको कुछ गलत मत बोलो, छोटू ही बोला था कि कुछ और बोला, छोटू बोल दिया था किसी ने उनको, तो उस पे भी थोड़ा उनने ट्वीट करके फनी नहीं लग रहा अच्छी नहीं उनने फनी वे में ऐसे ही बोल दिया था, तो इन्होंने उसको भी मतलब एज अ फनी वे में ही लिया, उनने ऐसा नहीं लिया कि गुस्सा हो गया, हम्बलनेस ही तो उनकी पहचान है, मतलब वो इतना ज्यादा हम्बल है, बट यार अब नहीं है तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बट मेरे को ना इनका मेरा कहना है कि लोगों को खाली बिजनेस माइंड से उनको फॉलो नहीं करना चाहिए, उनसे इंस्पायर नहीं, उनका बिहेवियर सबसे बेस्ट था, तो लोगों को ना अगर अपना बिहेवियर अच्छा करना हो ना तो कुछ उनसे सीख सकते हैं, क्योंकि उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था। एंड गाइस मुझे ना इनका एक इंटरव्यू देखना है, आप बताना कि आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं, सिमी ग्रेवाल के साथ इनका एक इंटरव्यू है, काफी लोग कहते हैं कि मतलब वो पुराने टाइम के पॉडकास्ट टाइप ही है जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की है, सो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू सी दैट पर्टिकुलर वीडियो, आज तक मैंने देखी नहीं है, सिमी ग्रेवाल जो कि एक्ट्रेस है उनके साथ उनका एक इंटरव्यू है, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज लेट अस नो इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, एंड मेरे को वो देखना है, सो अगली वीडियो आई होप वही वाली हो, आप लोग एक्साइटेड हो, मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, एंड आज का दिन बहुत भारी लग रहा है।